अब घबराने की कोई बात नहीं है, बिच्छुओं का जहर उतर चुका है। जिसका डर था लगता है वही हो रहा है। किसना, महायोद्धा ऐसे मुंह लटका कर नहीं बैठते। महायोद्धा? हाँ, महायोद्धा। दुर्जन की काली ताकत का सामना एक महायोद्धा ही कर सकता है। बचपन से मैं तुम्हें एक महायोद्धा बनने के लिए तैयार कर रहा हूँ, लेकिन अब बाकी की तैयारी तुम्हें एक हफ्ते में ही पूरी करनी होगी। मैं दुर्जन के बिच्छुओं से तो बच ना सका, उसका सामना कैसे करूँगा? वो मैं तुम्हें बताऊंगा। आओ, आर पार द्वार, चलो। आनंद नगरी की अच्छी शक्तियों, आज तुम्हारे पास इस युग का महायोद्धा किसना आया है। इसे आशीर्वाद दो कि ये तुम्हारी तरह आनंद नगरी की रक्षा कर सके। किसना, तुम्हें इन पत्थरों को पढ़कर ही तैयारी करनी होगी। गुरुजी, क्या आप मुझे सिखाएंगे? हर योद्धा को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है किसना। नहीं नहीं, मैं कोई महायोद्धा नहीं हूँ,
मैं दुर्जन की काली ताकत का सामना नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा आनंद नगरी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हम सब के लिए। आर पार द्वार, तुम्हें करना होगा आनंद नगरी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, हम सब के लिए। अब जब तक दुर्जन शक्तियां पाएगा उससे पहले कृष्णा महायोद्धा बन जाएगा, और सोचो फिर वो तुम सब की कैसे वाट लगाएगा। अंदर की गुफाओं में छिप गया होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, शांत हो जाओ। काम करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। बचाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना होगा। पाएगा।
आविष्कार का फिर से हो गया बट्टाधार। मैंने एक दिन तो किसना को फंसा कर रखा ना। अब महाराज की शक्तियां मिलने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। हवा की ताकत। अभी भी पत्थर के टुकड़े नहीं कर पा रहा। किसना, जंगल के सारे जानवर आनंद नगरी में आ गए हैं। जंगल में क्या हुआ? भयानक शेर, भयानक शेर। क्या हुआ? कौन तुम्हें डरा रहा है? पता चला किसना? नहीं, लगता है हमें खुद जंगल जाकर देखना होगा। चलो। लगता है ये उसी की आवाज है। पंजा सिर्फ तुम ही मार सकते हो। मेरे माँ पशु कुमारा वर्षाल, ये बादल यहाँ लेकर जाओ और आनंद नगरी में इतनी बारिश करो कि वहाँ सब कुछ पानी पानी हो जाए। हाँ।
मौसम में बारिश? अरे पानी पुल के ऊपर आ रहा है। अरे भागो भागो, पानी पुल के ऊपर। बाढ़ आने से पहले सब लोगों को आनंद नगरी छोड़कर जाना पड़ेगा। ये मौसम तो बड़ा अजीब है, एक साथ इतनी बारिश कैसे हो गई? और सारे बादल चल रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बादल हमें रुका हुआ है। लगता है राज इसी बादल में छुपा है, इसके अंदर जाना पड़ेगा। मगर कैसे? मेरे पास एक तरकीब है, आओ। खींचो और पीछे। मैं भी आया। ये सब होता है? ये नकली बादल है टोटो, मनुष्यों का बनाया हुआ। चलो इनसे निपटते हैं। तुम यहाँ तक आ गए हो, पर वापस नहीं जा पाओगे। तुम कौन हो? मैं त्रिकाल का दूत हूँ वर्षाल, आनंद नगरी का काल। इस यंत्र से मैं समुद्र का पानी खींचकर कहीं भी बारिश करवा सकता हूँ। मैं आनंदी नदी में बाढ़ ला दूंगा, पूरी आनंद नगरी को डुबा दूंगा। मेरे होते हुए तुम आनंद नगरी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अरे इससे तो मैं ही निपट लूंगा। अच्छा। मेरी दुख में फिर से आकर गई। टोटो तुम ठीक तो हो ना? लेकिन उस बादल में बहुत खतरनाक लोग हैं। तब तो हमें भी किसी की मदद करने के लिए चलना चाहिए। तुम कुछ नहीं कर सकते कृष्णा, वहीं खड़े रहो वरना। इसने यंत्र से नकली जल चक्र बना लिया है, उसी से बारिश हो रही है। मैं इसे तोड़ता हूँ। राधिका बचाओ। मैं हार गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। राधिका सुद्धि, हमें इस यान को गिरने से बचाना होगा। इससे दिशा तो बदल रही है, लेकिन गति कम नहीं हो रही। यान को नदी के ऊपर ले चलो। सब लोग कुछ पकड़ लो। एक बार फिर त्रिकाल हुआ टाइ टाइ फिश। योद्धा बनने की तैयारी कभी पूरी नहीं कर पाएगा। ये ले।
टोटो, देखते हैं बर्फ का असर कहाँ तक है। सुरक्षा चक्र तुम्हारे शरीर की ताकत से नहीं बनेगा, इसके लिए मानसिक शक्ति चाहिए। तुम ध्यान केंद्रित करो और अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। लगता है इसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। कृष्णा चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
रोशनी ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। अब हम हर साल की तरह प्रकाश उत्सव में रोशनी के गुब्बारे आसमान में उड़ाएंगे। चाल है गुरुजी, एक अंधेरे का दानव हमारी रोशनी को निगल रहा है। अंधेरे का दानव? अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश को नहीं हरा सकता। गुरुजी, हम इस अंधकार से कैसे लड़ सकते हैं? आओ मैं बताता हूँ। इस पुस्तक में अंधेरे के दानों से लड़ने का उपाय है। इस अंधेरे में हम ये किताब कैसे पढ़ेंगे? शरीर से रोशनी बना लेती हैं। ये जुगनू मेरे दोस्त हैं। इस अंधेरे के दानों का अंत सिर्फ अनंत प्रकाश की तलवार ही कर सकती है। अनंत प्रकाश की तलवार? वो हमें कहाँ मिलेगी? हमारी आनंदी नदी में एक द्वीप है जिसे सब निर्जन समझते हैं, लेकिन वहाँ एक गुप्त गुफा है जहाँ प्रकाश के रक्षक रहते हैं और उन्हीं के पास है अनंत प्रकाश की तलवार। गुरुजी, हम वो तलवार लेकर आएंगे। आनंद नगरी का प्रकाश उत्सव अंधेरे में नहीं डूबने देंगे। चलो दोस्तों। तो फिर हमें इस झरने के बीच से जाना होगा। सही कहा राधिका। सचमुच ये गुफा तो रोशनी की गुफा लग रही है। जरूर अनंत प्रकाश की तलवार इसी गुफा में होगी। की तलवार, जल्दी से इसे उठाओ और निकल चलो। मैं उठाता हूँ। रुको टोटो, हमें पहले प्रकाश के रक्षकों की आज्ञा लेनी होगी। रुकिए, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हमें बस ये तलवार चाहिए। नहीं सुन रहे, ये तो हमारी तरफ बढ़ते ही।
नहीं जा रहे हैं। लगता है ये कोई परीक्षा है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। इस परीक्षा में भी सफल रहे। अब तुम ये तलवार ले जा सकते हो। तुम्हारा काम पूरा होते ही ये तलवार यहाँ वापस आ जाएगी। किसना, हमें जल्द से जल्द आनंद नगरी पहुँचना होगा। बच्चों, ये तलवार तुम्हें प्रकाश की गति से वहाँ पहुँचा देगी। महाराज को काली शक्तियां मिलने में सिर्फ एक दिन बचा है। अब मैं ज्वालामुखी को जगाऊंगा, वो आनंद नगरी का विनाश कर देगी। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नहीं रहने दूंगी। जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए
मैं आग बरसाती रहूंगी। अपने आप को बचा सकते हो तो बचाओ। मैं आनंद नगरी और मेरे दोस्तों को बचाने के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, उनका कवच बनकर। ठीक है, देखते हैं बच्चे ये कवच आनंद नगरी को बचा पाएगा या अपने दोस्तों को। बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ पिताजी, पर आनंद नगरी। देखा ना समझ बच्चे, अपने दोस्तों को तो बचा लिया पर आनंद नगरी भस्म हो गई। किसना, ज्वालामुखी ने सब सर्वनाश कर दिया, एक हरा पत्ता भी नहीं बचा। एक पत्ते को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। दुर्जन को काली शक्तियां मिल गई हैं, अब और तैयारी का समय नहीं बचा। आओ हे अच्छी शक्तियों,
किसना संपूर्ण महायोद्धा बनने के लिए तैयार है, इसे एक महायोद्धा के अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान करें। ठहरो किसना, पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। मैं किसना शपथ लेता हूँ कि अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ लोगों की रक्षा के लिए ही करूँगा। We'll be right back.
शेर का जिगर लेकर आना, उसके बाद महायोद्धा से टकराना। पुरखों की शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हें खत्म करके ही मानूंगा। दोबारा आनंद नगरी के बारे में कुछ बुरा सोचा, तेरी अंधेर नगरी में घुस कर मारूंगा। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। अरे ये कहाँ गया? क्या हुआ? तुम कहाँ थे किसना? महायोद्धा ने हमें बचा लिया। हाँ किसना, अब हमें दुर्जन से डरने की कोई जरूरत नहीं। वाह, बड़ा बहादुर है ये महायोद्धा। लेकिन इतना बहादुर है तो गायब क्यों हो गया? महायोद्धा है, किसी और को बचाने गया होगा, तुम्हारी तरह नहीं कि बस शरारत में ही दिमाग लगाए। हाँ, वो मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं। क्यों टोटो? Yeah.